अगर हम डोमेन नेम सर्वर की बात करें या डोमेन नेम सिस्टम की बात करें, तो पहले हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। ठीक है ना, ये नेम को जो पर्टिकुलर उसका आईपी एड्रेस होता है उसके साथ एक तरीके से कहें तो ट्रांसलेशन करने का मतलब क्या, वो मैप करता है। ठीक है ना, कि पर्टिकुलर इस नेम का क्या आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, डीएनएस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इंप्लीमेंटेड इन अ हायरार्की ऑफ नेम सर्विस। क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है जिसको एक हायरार्की में रिप्रेजेंट किया जाता है, नेम मतलब एक हायरार्की में जो उसका नाम होता है, एक हायरार्की में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हायरार्की में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग बस ये है कि समझने के लिए अभी स्टार्टिंग में ये समझ लीजिए कि भाई डीएनएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, कि वो नेम को उसके आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि ये जो नेम होता है उसका, वो एक हायरार्की होती है, मतलब एक हायरार्की के फॉर्म में होता है, वो जैसे होता है ना, वो एक ट्री फॉर्म होता है, उस हिसाब से उसको एक सीक्वेंस में कि पहले ये फिर ये फिर ये, उस हिसाब से उसको उस फॉर्म में रखा जाता है ताकि वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सके। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद से इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर मैसेज एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का 5वीं यूनिट है और ये एप्लीकेशन लेयर है, तो डोमेन नेम सर्वर जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होने का मतलब क्या है कि ये क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ और सर्वर से क्लाइंट की तरफ। ओके, और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो उसके बाद से फिर हम आइए देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें डीएनएस की। तो जैसा कि हमें पता है कि डीएनएस का काम क्या है कि होस्ट नेम को उसके क्या कहते हैं, होस्ट नेम को उसके आईपी एड्रेस के साथ मैप करना, जो इसका मेन काम है, जो मेन मोटो है। और इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि भाई हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, भाई हम नेम को आईपी एड्रेस से मैप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नेम को आईपी एड्रेस से मैप करने की बात आई, तो आपको पता है कि आईपी एड्रेस बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट के बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं, तो हर वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद कर पाना वो थोड़ा सा हैटिक है। ठीक है ना, कि अगर आपको बहुत सारे आईपी एड्रेस दिए हुए हैं और सबका सारे वेबसाइट के अगर आईपी एड्रेस को याद करने की बारी आए, तो भाई सबको याद करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि तो इसको सिंपल बनाने के लिए कि आईपी एड्रेस को चूंकि याद करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने लोगों ने क्या किया कि उस आईपी को आईपी ना उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, ताकि नेम जो है वो नेम को तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो नेम क्या करता है, जैसे कि अब हम लोग अगर वेब एड्रेस की बात करें तो हम लोग google.com लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डाटा सेंड होता है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे, भाई जाना तो सब कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही है, एक जगह से दूसरी जगह। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है, वो जो है वो गूगल, वो नेम के मतलब नेम से नहीं एड्रेस को फाइंड करता हुआ जा रहा है। वो पर्टिकुलर सबसे पहले क्या होता है कि वो जो गूगल लिखा हुआ है, तो उस गूगल का जो डीएनएस है, वो जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, वो गूगल नेम को उस आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है। ठीक है ना, जब वो गूगल उस आईपी एड्रेस के साथ मैप हो जाता है, मतलब कि उस गूगल को का जो आईपी एड्रेस जब मिल जाता है कि भाई google.com लिखा गया है तो ये इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है ना, तो जब ये उसका आईपी एड्रेस है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो आईपी एड्रेस के थ्रू वो पर्टिकुलर अपने मतलब कि उस सर्वर तक पहुंचता है जिस सर्वर पे से गूगल को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, तो देखिए वही चीज लिखी हुई है कि एवरी होस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द आईपी एड्रेस, बट रिमेम्बरिंग नंबर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपुल एंड ऑल्सो द आईपी एड्रेस आर नॉट स्टैटिक। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम नहीं मतलब कि जैसे कि जो भी उसका सर्वर है, जो भी उसका जो उस कंपनी का ऑनर है, चाहे कंपनी का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अकॉर्डिंग टू नीड आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकता है। जैसे कि ऐसा थोड़ी कि हम अपने लैपटॉप में अगर एक आईपी एड्रेस डाल के बैठे हैं तो जिंदगी भर वही आईपी एड्रेस यूज करेंगे। भाई वो तो उस पर्टिकुलर लैन में जो हमें आईपी एड्रेस मिला है उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी
आईपी एड्रेस को, जिसमें मतलब कि हम अगर बाद में अगर हमें कोई दूसरी आईपी मिलती है तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई कि इसका जो नंबर को जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि आईपी एड्रेस जो एक नंबर में होता है, एक न्यूमेरिकल नंबर फॉर्म में होता है, तो उसको याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरी चीज क्या है कि वो चेंज भी होती रहते हैं, ठीक है ना। तो बार बार पहले ये नंबर था, फिर मान लो अगर एक महीने बाद दो महीने बाद कोई और नंबर हो गया तो फिर उसको छोड़ो, दूसरे को याद रखो, ठीक है। तो वो थोड़ा हैटिक था। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि भाई हमने एक डीएनएस बनाया, ठीक है ना, जो कि एक नाम हमें याद क्या रखना होता है, हमें केवल एक नाम याद रखना होता है कि उस वेबसाइट का नाम क्या है। जैसे ही हम उसके नाम को एड्रेस बार में टाइप करते हैं तो क्या होता है कि वो सबसे पहले डीएनएस क्लाइंट के थ्रू डीएनएस सर्वर के पास जाता है और डीएनएस सर्वर से वो उस पर्टिकुलर नेम का आईपी एड्रेस पूछता है। जब उसको उस पर्टिकुलर नेम का एक आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो आईपी एड्रेस दोबारा से क्लाइंट तक पहुंचता है और फिर उसी आईपी एड्रेस की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा उस पर्टिकुलर सर्वर तक या जहां तक जाना होता है वो वहां तक जाता है, ठीक है ना। तो अगर मेन मोटो की हम बात करें तो हम मेन मोटो डीएनएस का यही है कि नेम से उसके आईपी एड्रेस को फाइंड करना, ठीक है ना, नेम से उसके आईपी एड्रेस को फाइंड करना। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि डीएनएस का मेन काम क्या है कि नेम से आईपी एड्रेस को फाइंड करना, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या है, सो डीएनएस इज यूज्ड टू मैपिंग, क्या था, आईपी एड्रेस आर नॉट स्टैटिक, देयरफॉर अ मैपिंग इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। सो डीएनएस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट टू देयर न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो होप सो आपको ये दो चीजें तो समझ में आई गई होंगी। और नेम टू एड्रेस रिजोल्यूशन, ठीक है, अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। द होस्ट रिक्वेस्ट द डीएनएस नेम सर्वर, यानी कि जो होस्ट होता है, देखिए ये काम कैसे करता है, अगर सिंपली थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए अभी मैं इसको हल्का, अभी इसको मैं थोड़ा और डिटेल में भी बताऊंगा कि पहले ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्या करता है। जैसे कि जो नेम टू एड्रेस रिजॉल्व, ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है कि जो होस्ट होता है वो रिक्वेस्ट, the host requests the DNS name server to resolve the domain name, ठीक है ना, कि जो host होता है वो DNS server के पास एक request भेजता है कि भाई इस ये जो host, ये जो name है host का, इसका हमें IP address resolve करके दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए कि इसका जो IP address है वो हमें resolve करके आप दे दीजिए। उसके बाद से फिर क्या है कि and the name server return the IP address corresponding to the domain name। तो जो हम request भेजते हैं, ठीक है, जो डीएनएस के पास जाता है तो डीएनएस उसका रिस्पांस क्या देता है कि उस पर्टिकुलर नेम का जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है ना, वही उसको एज अ रिस्पांस वो वापस होस्ट के पास भेजता है ताकि एक बार उसको उसका आईपी एड्रेस पता चल जाए तो फिर वो आगे अपना प्रोसेस जो है, अपना प्रोसीजर जो है वो अपना आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो जैसा कि आपको एक ये फिगर भी दिखा होगा, ये फिगर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि एक सिंपल सा फिगर है कि एक होस्ट है, होस्ट ने जैसे कि उसका एक नेम है csc.dtu.in, ठीक है ना, तो अब csc.dtu.in का इन क्लिक के अगर एड्रेस बार में हम इंटर मार रहे हैं तो अगर हम ये समझ रहे हैं केवल इस नाम से ही वो पर्टिकुलर वेबसाइट को फेच कर ले रहा है, ठीक है ना, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि नेम हमें पता है कि डाटा जो ट्रेवल करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आईपी की जरूरत पड़ती है, ना कि किसी के नेम की, पर्टिकुलर नेम की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं मतलब ट्रेवल कर सकता है। तो चूंकि अब आईपी एड्रेस की हमें जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले इस ये जो हमारा जो ये लिखा हुआ है csc.dtu.in, ठीक है ना, तो ये जो हमारा सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके आईपी को पता करेंगे। और इसके आईपी को कैसे पता करेंगे कि होस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा नेम सर्वर को और नेम सर्वर उसको रिप्लाई देगा, क्या रिप्लाई देगा, उसका उसका आईपी एड्रेस, ठीक है ना। सपोज करो ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस नेम सर्वर ने रिप्लाई दिया और वो कहां पहुंच गया, होस्ट के पास, ठीक है ना। तो अब जब आईपी एड्रेस मिल गया तो वो उसी आईपी एड्रेस का यूज करके फिर वो प्रोसेस को अपने आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें होप सो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब चलिए अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, आइए थोड़ा सा और नीचे चलें। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या डीएनएस इज यूज टू मैप एन एलायस एड्रेस, एलायस मतलब होता है कि उपनाम किसी चीज का, जैसे कि मेन तो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, लेकिन उस आईपी एड्रेस को जो हमने नाम दिया है उसी को हम कहते हैं एलायस,
एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ठीक है ना, कि मतलब वही सेम चीज की, मतलब नेम को आईपी एड्रेस के साथ मैप कर रहा है। डीएनएस इज वेरी यूज्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द मैपिंग, ठीक है ना। इसका काम क्या है, मैप करने का काम क्या है इसका, मैप करने का, ठीक है। क्या मैप करने का, नेम से आईपी एड्रेस को, नेम से आईपी एड्रेस को। अब देखिए, अब हम समझते हैं एक एक चीजों को बारीकी से। अभी तक हमने थ्योरी देखी, थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनएस वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है व्हाई डीएनएस इज नीडेड, कि हमें डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि डीएनएस से पहले, डीएनएस मतलब क्या है कि पहले भी वेबसाइट बनती थी, जो वेबसाइट यूज होती थी तो वहां पे क्या था, नेम था, क्या नाम था, अरे मैंने आईपी एड्रेस को उसके नेम के साथ मैप किया जाता था। बात समझिएगा, जब डीएनएस जो है मतलब कि पहले स्टार्टिंग में जब इंटरनेट का यूज चल रहा था, ठीक है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब कि इतनी ज्यादा वेबसाइट्स नहीं थी, ठीक है ना। उस समय वेबसाइट की संख्या आज की डेट में, आज जितनी सारी वेबसाइट्स हैं उनके कंपेरिजन में पहले नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो कम थी, ठीक है ना। तो होता क्या था कि एक सेंट्रलाइज जो है, एक टेबल हम लोग मतलब एक सिस्टम में, एक सिस्टम सर्वर जो कह लीजिए, वहां पे एक टेबल होता था और उस टेबल में उसका जितना भी मतलब एलाइस नेम होता था, जितनी भी मतलब की वेबसाइट होती थी उन सबका एलाइस नेम होता था। जैसे सपोज कीजिए एबीसी एक्सवाईजेड, कुछ भी मतलब कि बहुत सारे नेम होते थे, ठीक है ना, और उनका उसके आगे आईपी एड्रेस दिया होता था, ठीक है ना। और ये एक आपका सब कुछ कीजिए सर्वर था, ठीक है ना, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज जगह पे मतलब कि एक सेंट्रलाइज जगह पे ही रखा रहता था, ठीक है ना, ये डिसेंट्रलाइज नहीं था। कहने का मतलब समझिएगा, ये सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज नहीं था। पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। तो होता था क्या था कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसको उसने अगर एबीसीडी लिखा, बात समझिएगा, अगर ये पर्सन है इसने एबीसीडी लिख के, मतलब एक किसी वेबसाइट का नाम समझ लीजिए, नाम है, और उसको लिख के उसने एंटर किया, तो वो कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, ठीक है ना। तो सर्वर अपने टेबल में चेक करेगा, लो एबीसी है, तो एबीसी ये है, तो क्या ये इसका आईपी एड्रेस है, तो ये इसके आईपी एड्रेस को कहाँ सेंड कर देगा, वापस उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास, ठीक है ना। लेकिन ये जो है वो सेंट्रलाइज वे में था, ठीक है, ये तब था, तब चल रहा था जब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो कम थी, वो इतनी ज्यादा। हेलो हेलो, ये कौन है, हेलो भाई, आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो ये तब चलता था जबकि जब नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो बहुत कम थी, ठीक है ना। तो उस केस में एक सिंपल जगह, एक सिंपल सेंट्रलाइज जगह पे जो है हम जितने भी 100-200 वेबसाइट होती थी उनको हम एक जगह रख देते थे, और सिंपल जब भी रिक्वेस्ट जाती थी तो उस सर्वर पे जाती थी, और वहां से वो क्या करता था कि उस नेम के थ्रू उसके आईपी एड्रेस को फाइंड कर लेता था, और आईपी एड्रेस को फाइंड करने के बाद वो जो है आईपी एड्रेस को फाइंड करने के बाद वो क्या करता था कि भाई उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं होस्ट को जो है वो वापस से उसको एज अ रिप्लाई जो है वो आईपी एड्रेस कर देता था, ठीक है, आप लोग को होप सो समझ में आया होगा। उसके बाद से फिर जब वो उसको रिप्लाई कर, एक सेकेंड, हाँ, तो उसको रिप्लाई कर देता था, ठीक है। लेकिन जब बाद में आगे चल के नंबर ऑफ वेबसाइट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है ना, आज की डेट में आपको पता है कि इतने ज्यादा वेबसाइट्स हैं कि आप अगर गिनती करना शुरू करेंगे तो आप गिनती भूल जाएंगे, ठीक है ना। डे बाय डे रोज 10-15-20-100-200 वेबसाइट जो है वो नई नई लॉन्च होती रहती हैं, ठीक है ना। तो आज काउंटेबल मतलब अगर कहें कि काउंट करने को तो नंबर ऑफ वेबसाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम उनको एक जगह जो है वो सेंट्रलाइज करके नहीं रखते, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्वर बना के हमने उसको रख दिया, और जो जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करता था, एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो जो उसके नजदीकी का जो सबसे नजदीकी वाला सर्वर होता है तो वो उस सर्वर के पास उसका रिस्पॉन्स जाता है, और वहां से उसको उस नेम का जो आईपी एड्रेस होता है वो कस्टमर मतलब जो होस्ट होता है, सॉरी जो क्लाइंट होता है उसके पास उसको एज अ रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिवाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट एंड स्टोर ईच पार्ट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, नाउ व्हेन द होस्ट नीड द मैपिंग इट कैन contact the closest computer holding the information, this is DNS method, इसको हम क्या कहते हैं, DNS method, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले जो है वो number of websites कम थी,
तो एक सेंट्रलाइज जगह पे उनको एक जगह रख के और जहां से भी लोग होते थे वो उसको एक्सेस करते थे, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में नंबर ऑफ वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया, और जो भी जिसको भी एक्सेस करना होता है वो सबसे नजदीक वाली जगह पे जाता है। मतलब जब वो रिक्वेस्ट करता है तो जो सबसे नजदीक में उसके डीएनएस होता है, वो सर्वर होता है, वो वहां से उसको रिक्वेस्ट भेजता है और वहीं से वो उसको रिप्लाई देता है, ठीक है ना। सर्वर उसको रिप्लाई देता है किसको, क्लाइंट को, कि भाई इस ये आईपी, ये नेम है तो इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया है तो देखिए डीएनएस का वर्किंग किस तरीके से होता है। तो डीएनएस का वर्किंग देखने के लिए आपको ये फिगर आपको देखना होगा। अगर आप सब लोगों को ये फिगर दिख रहा हो तो इसमें है क्या कि, एक सेकेंड, इसमें है क्या कि देखिए एक क्लाइंट है, एक एफटीपी क्लाइंट है, डीएनएस क्लाइंट है और डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये वाला जो एरिया है, सॉरी, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये एक सेकेंड, ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये आपका एप्लीकेशन लेयर में आता है। किसमें आता है, एप्लीकेशन लेयर में। ये एरिया एफटीपी क्लाइंट और डीएनएस क्लाइंट, ये आपका किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है। और ये जो डीएनएस सर्वर है वो आपका एप्लीकेशन लेयर, सॉरी, वो एक अलग सर्वर है जिससे उसको, जिसको जहां पे वो क्वेरी भेजता है और जहां, और जो उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए, ठीक है, कि अगर क्लाइंट है, क्लाइंट ने सबसे पहले होस्ट नेम, जैसे सपोज कीजिए www.gmail.com, ये लिखा उसने और इंटर किया, तो एफटीपी क्लाइंट कहाँ उसको भेजेगा, एफटीपी सर्वर तक, सॉरी डीएनएस क्लाइंट तक, और डीएनएस क्लाइंट इस क्वेरी को कहाँ भेजेगा, डीएनएस सर्वर तक, ठीक है ना। फिर जब डीएनएस सर्वर जीमेल को चेक करेगा अपने डाटाबेस में, तो उसको क्या मिलेगा कि भाई पर्टिकुलर जीमेल की आईडी जो है, वो आईपी जो है वो ये है, ठीक है ना। तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, इस आईपी को किसे रिस्पॉन्स करेगा, डीएनएस क्लाइंट को, और फिर डीएनएस क्लाइंट जो है उसको रिस्पॉन्स किसको करेगा, एफटीपी क्लाइंट को। मतलब कि वो, मतलब कि एक तरीके से अगर हम कहें तो ये क्या कहते हैं इसको, कि ये पर्टिकुलर एफटीपी क्लाइंट को, मतलब एफटीपी क्लाइंट के बाद वो उसको आईपी को भेज देगा, और जब आईपी मिल जाएगी तो फिर क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे चला जाएगा, और उसी आईपी की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेवल कर जाएगी। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लाइंट, ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सपोज कीजिए gmail.com, वो एफटीपी क्लाइंट के पास गया, एफटीपी क्लाइंट से कहाँ जाएगा, डीएनएस क्लाइंट के पास, और डीएनएस क्लाइंट से कहाँ पहुंचेगा, डीएनएस सर्वर पे, ये एज अ क्वेरी। फिर डीएनएस सर्वर उसको रिजॉल्व, क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, एज अ रिस्पॉन्स में आईपी एड्रेस देगा, वो डीएनएस क्लाइंट तक पहुंचाएगा, डीएनएस क्लाइंट से एफटीपी क्लाइंट तक वो आईपी एड्रेस पहुंचेगा, और देन वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें पता है कि आईपी एड्रेस ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जहां भी उसको मूव करना है वो उस आईपी एड्रेस की हेल्प से वो मूव कर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा और नीचे आते हैं, अब हम समझते हैं थोड़ा सा और, नेम स्पेस, ठीक है ना। नेम स्पेस क्या है, ठीक है, तो अब ये भी देख लीजिए कि नेम्स मस्ट बी यूनिक बिकॉज द एड्रेस आर यूनिक। तो हमें पता है कि ठीक है भाई, कि हमें नेम याद रखना आसान है, आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है, तो चलो हम नेम से ही याद रखेंगे। मैपिंग करने का काम कौन करेगा, आपका डीएनएस करेगा, लेकिन डीएनएस भी तो मैप तभी कर पाएगा ना कि जब एक वेबसाइट का नाम यूनिक हो, ठीक है ना। अब जैसे गूगल पे एक ही वेबसाइट होगी ना, गूगल से हम तीन वेबसाइट तो बना नहीं सकते, वेबसाइट मतलब समझ रहे ना, एक ही नाम से तीन अलग वेबसाइट तो हम बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो एकदम यूनिक, उनका नेम भी यूनिक हो, ताकि जब वो डीएनएस सर्वर के पास पहुंचे तो डीएनएस सर्वर वहां कंफ्यूज ना हो कि भाई साहब कि ये किस वेबसाइट, मान लो अगर एक ही नाम से, तुम ही सपोज करो कि अगर एक ही नाम से एक से ज्यादा वेबसाइट होंगे, बात समझिएगा, अगर एक ही नाम से एक से ज्यादा वेबसाइट होंगे, जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी डीएनएस सर्वर के पास, तो डीएनएस सर्वर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पर्टिकुलर किस, ये चार आईपी दी हुई है एक ही नाम से, तो किस वाली आईपी को हम एज ए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें, बात समझिएगा, ठीक है ना, कि अगर चार आईपी ये दी हुई है तो किस आईपी को हम एज ए रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना होता है कि जो हम नेम भी देते हैं ना वो एक यूनिक होता है दोस्तों, ठीक है ना, यूनिक समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि नेम भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कौन सा फंडा अपनाया जाता है कि नेम जो हम चूज कर रहे हैं वो भी अलग हो, यानी कि वो भी इतने, अगर करोड़ों वेबसाइट हो तो करोड़ों करोड़ों वेबसाइट्स में उनके नाम में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, वो एक जैसे ना हो,
ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए मतलब कि ये जो फंडा है इसी को हम नेम स्पेस कहते हैं। तो जैसे देखिए, और इसके लिए दो तरीके अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना, एक फ्लैट नेम स्पेस और एक हायरार्किकल नेम स्पेस। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं हम इसको कि फ्लैट नेम स्पेस और हायरार्किकल नेम स्पेस क्या है। तो सबसे पहले नेम मस्ट बी यूनिक बिकॉज द एड्रेस आर यूनिक, अ नेम स्पेस मैप ईच एड्रेस टू अ यूनिक नेम। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई एक जो नेम स्पेस होता है वो एक यूनिक वो मैप होता है ईच एड्रेस टू एक यूनिक नेम से। ठीक है ना, अब बात करते हैं फ्लैट नेम स्पेस की और हायरार्किकल नेम स्पेस की, समझिएगा बच्चों। तो अगर फ्लैट की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत एक सेकंड, अगर हम फ्लैट की बात करें दोस्तों तो फ्लैट में क्या है कि ये सिंपल यूज होता था, जैसे क्या है कि नेम से, जैसे कि जैसे कि नेम लिखा हुआ है ना, इसमें बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होते थे, सिंपल अमन @cs.com @gmail.com, shyam@gmail.com, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसमें नाम होते थे। इस तरीके से नाम होने का मतलब क्या है कि ये इसमें बहुत ज्यादा उसकी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं होती थी नेम को चूज करने में, एक सिंपल वे में नेम को चूज किया जाता था। और इसमें जब सर्च करने की बारी आती थी तो उसके अल्फाबेट से सर्च कर लेता था। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता ये, ठीक है ना, ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आईडीज जो है वो नहीं बनते। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल ने फ्लैट नेम स्पेस इन दिस नेम इज असाइंड टू एन एड्रेस, नेम इज इन दिस स्पेस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है ना, यहाँ पे केवल क्या है कि नेम के हिसाब से वो उसको बस दे दिया जाता है और उसका कुछ एक अल्फाबेट होता है, मतलब अल्फाबेट मतलब समझ रहे ना कि मतलब उसका एक सिक्वेंस होता है। ठीक है, मतलब कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो नहीं होता, सिंपल नेम के हिसाब से क्या कहते हैं name@gmail.com या फिर और कोई केवल सिंपल लिंक से किसी वेबसाइट का नाम दे दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि भाई कि ये अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तब ये फ्लैट जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि तब वहां पे और ज्यादा नेम को सेपरेट करने की जरूरत होती है। जैसा कि आज की डेट में हम देखते हो ना कि aman.shreya. ऐसे करके मतलब डॉट 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 करके मतलब इस तरीके से होता है आपका, ताकि वो यूनिक हो सके। मतलब वो जो डॉट डॉट होता है ना वो इसलिए होता है कि वो किसी नेम को और ज्यादा यूनिक बना सके, जिससे कि अगर सर्वर पे हम उसको सेंड खोजने की कोशिश करें तो आसानी से मिल जाए कि पर्टिकुलर जो नेम है वो क्या है, कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नेम जो है उस नेम के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो बहरहाल देखिए यहाँ पे समझने के लिए इतना देख लीजिए कि जो फ्लैट नेम स्पेस है वो क्या होता है कि इन दिस नेम इज असाइंड टू एन एड्रेस, नेम इज इन दिस स्पेस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्ट्रक्चर। मतलब कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्ज सिस्टम, ये लार्ज सिस्टम इसका यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक स्मॉल सिस्टम है तो वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे नंबर ऑफ एड्रेस कम होंगे, नंबर ऑफ एड्रेस कम होंगे तो वहां पे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ एड्रेस बहुत ज्यादा होंगे वहां पे हम ये यूजलेस हो जाएगा, वहां पे हमें फिर यूज क्या करना पड़ेगा, देखिए हायरार्किकल नेम स्पेस जो कि स्ट्रक्चर्ड वे होता है। स्ट्रक्चर्ड वे होने का मतलब क्या है, जैसे ये आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये ऊपर वाला फ्लैट का है। ठीक है ना, ऊपर वाला किसका एग्जांपल है, फ्लैट का, एक कॉलेज सिंपल अमन HODCS मोहन एडमिन, मतलब एक सिंपल देखिए कि केवल 3 या 4 या 10-15 लोग हैं, तो एक लाइन से एक सबका एक एक सिंपल नाम दे दिया गया है और जिसको भी सर्च करना होगा वो क्या उसके अल्फाबेट के सीक्वेंस से उसको सर्च कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ज्यादा बड़ा है, लार्ज क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है तो या फिर लार्ज सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई देखो कॉलेज उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको रखा जाएगा, कि एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट में CS है, फिर IT है, फिर अमन है, फिर रोहन है, समझ रहे ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में अब किस तरीके से रखा जाएगा इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले हम इसकी एक थ्योरी पढ़ लीजिए आप कि हायरार्किकल नेम स्पेस इन दिस नेम इज मेड ऑफ सेवरल पार्ट, माने इस तरह का जो नेम होता है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। कई सारे पार्ट का मतलब क्या है कि केवल एक सिंपल एक नेम से उस वेबसाइट को पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारे पार्ट होते हैं और जब तक सारे के सारे पार्ट मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक आप वेबसाइट को पहचान नहीं सकते। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा हो सकता है aman.csc.department.college, बात समझिएगा। ठीक है ना, तो अमन एक अलग पार्ट हो गया, CSC एक अलग पार्ट हो गया, डिपार्टमेंट एक अलग पार्ट हो गया, कॉलेज एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस केस में सपोज कीजिए अगर यहाँ भी अमन होता
ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है अमन, लेकिन सीएससी की जगह क्या हो जाता है आईटी, तो एक चेंज हो जाता है। बात समझिएगा कि एक चेंज हो जाता है आपके वेबसाइट में, मतलब वो जो एड्रेस होता है उस एड्रेस में एक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जब उस एड्रेस में जैसे ही चेंज होगा तो मतलब क्या है कि ये मतलब कि नेम भले ही सेम हो लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिक्वेंस है जो जो कि सेवरल पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसमें कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होगा कि जो वो दूसरे पार्ट से डिफरेंट होगा और वही क्या करेगा उसको यूनिक बनाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा हायरार्किकल वाले को और देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है, कि किस तरीके से ये, जैसे कि ये लिखा हुआ ना इन दिस नेम इज मेड ऑफ सेवरल पार्ट, तो किस तरीके से सेवरल पार्ट बनता है, ठीक है ना। इट इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस अ कंट्रोल नेम स्पेस कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस ये जो सेवरल पार्ट है इस सेवरल पार्ट का मतलब क्या है, ठीक है, और किस तरीके से सेवरल पार्ट बनता है, ठीक है। ये देखिए आइए हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए डोमेन नेम स्पेस। अब देखते हैं पहले वो जो हम बता रहे थे, बात कर रहे थे आपसे कि वो सेवरल पार्ट, तो सेवरल पार्ट क्या होते हैं आइए उसको देखते हैं। तो डोमेन नेम स्पेस की बात करें तो इट इज डिजाइन टू हैव अ हायरार्किकल नेम स्पेस इन दिस नेम आर डिफाइंड इन एन इनवर्टेड ट्री स्ट्रक्चर विद द रूट एट द टॉप। तो सिंपल कहने का मतलब ये आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमें पता है कि जो एक नेम है, ठीक है भाई, अगर सिंपल छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 15-20 है, तो 15-20 के अगर नेम के हिसाब से अगर एड्रेस बना रहे हैं तो वो सिंपली उसके नेम के हिसाब से हम बना सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे 1,000, 2,000, 4,000 लोग का है तो सबके हिसाब से अगर हमें एड्रेस बनाना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर हम एड्रेस बनाने की कोशिश करते हैं तो नेम के हिसाब से बनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं सेम हो जाएगा। तो हमें उसकी यूनिकनेस को बढ़ाने के लिए हमें हायरार्की का यूज करते हैं, ठीक है ना, हायरार्की वाले मेथड का, ना कि फ्लैट मेथड का। फ्लैट मेथड का यूज वो सिंपल जहाँ पे कम स्ट्रेंथ हो वहां पे यूज की जाती है। तो जब हम हायरार्की वाले पे आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसके उसको मतलब कि उसके नेम को क्रिएट किया जाता है। तो उसके नेम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज दो चीजें होती हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा, एक तो लेबल होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है, ठीक है ना। तो लेवल का मतलब क्या होता है कि हर रूट को एक लेवल यानी एक पहचान दी जाती है, ठीक है ना, लेकिन रूट नोड जो है हमेशा नल स्ट्रिंग होता है, यानी उसका कोई नेम कोई पहचान नहीं होती, और जो और सारे रूट हैं, ठीक है ना, उनका जो जो स्ट्रिंग यानी जो नेम दिया जाता है, जो स्ट्रिंग नेम दिया जाता है वो 63 कैरेक्टर मतलब मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स का ही हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि रूट लेवल जो है वो हमेशा नल और एम्प्टी होती है, ठीक है। दूसरा है आपका डोमेन नेम, ठीक है ना। तो डोमेन नेम की बात करें, अ फुल डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ लेबल्स सेपरेटेड बाय डॉट्स, ठीक है। अब बात समझिएगा, अगर डोमेन नेम की बात करें, अभी क्या है लेबल, ये देखिए जैसे ये लेबल, ये लेबल, ईडीयू लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये सब क्या है लेबल है, ठीक है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, ये सब क्या है आपके लेबल है, ठीक है ना। और अगर डीएनएस नेम की बात करें तो वो कलेक्शन ऑफ लेबल्स है, यानी इन सबको जब हम मिलाएंगे तो एक डीएनएस नेम बनेगा, और ये सेपरेट कैसे होंगे डॉट के थ्रू, ठीक है, सेपरेट कैसे होंगे डॉट के थ्रू। तो जैसे देखिए कि और एक चीज और मैं बता दूं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे ये नहीं है कि हम ऊपर से देखेंगे, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना रूट ईडीयू, इसका जैसे सपोज कीजिए कि ये रूट है, यहाँ पे क्या नल स्ट्रिंग होगा, हमें पता है कि जैसे लिखा हुआ है कि जो रूट होता है वो नल और एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, यानी इसका कुछ नाम धाम कुछ नहीं होगा। रूट के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ से दो आए, एक ईडीयू हुआ एक ओआरजी हुआ, ईडीयू का मतलब हमें पता है कि ये एजुकेशनल को डिनोट करता है, ओआरजी को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है, ये पहचान देता है। अब जब ये ईडीयू और ये ओआरजी हुआ तो अब चलिए हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ से जो अगला लेवल है वो क्या मिला, हमने एबीसी दिया, उसके बाद का जो लेवल है हमें क्या मिला एक्स वाई जेड मिला, उसके बाद का जो लेवल है वो एफ मिला। तो अब जो ये वेबसाइट क्रिएट, इसका एड्रेस जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, एफ डॉट एक्स वाई जेड डॉट एबीसी डॉट ईडीयू, समझ में आ रहा है, और लास्ट में डॉट इन, और डॉट इन किस लिए, क्योंकि इंडिया का वेबसाइट है, इंडिया में है आप, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है ना। तो एड्रेस को अगर आपको डिफाइन करना कोई भी, अब जैसे देखिए अगर यहाँ पे इसको भी हम अगर आगे बढ़ाते, यहाँ पे हम लिखते एबीसी, यहाँ पे लिखते एक्स वाई जेड और यहाँ लिखते एफ, तो यहाँ पे क्या होता, समझने की कोशिश कर, एफ डॉट एक्स वाई जेड डॉट एबीसी डॉट ओआरजी। तो मतलब अगर दोनों के नेम में अगर तीन पार्ट भी सेम है तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट हो गया, यानी कि वो यूनिक हो गया,
हमारी बात अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वो यूनिक हो गया कि पहले वाले वेबसाइट की पहले वाला जो एड्रेस था वो भले ही बाकी के चार जो पार्ट है उसके सेम है दूसरे वाले वेबसाइट से दूसरे वाले एड्रेस से, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होगा, ठीक है ना, जो कि पहले वाले वेबसाइट से के पार्ट से डिफरेंट होगा और वही उसको उससे अलग बनाता होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ही अगर नाम सेम होगा तो आईपी एड्रेस को फाइंड करने में हमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है।